शौच से संबंधित जो धारणाएं थी हम लोगों के ऋषि महर्षियों की, वो ऐसी थी कि जब हम साफ सुथरे रहेंगे शरीर से, दिल से, मन से, अंतःकरण से, तो ही हम वास्तव में स्वस्थ हो सकते हैं, यानी स्व में स्थित हो सकते हैं, यानी आत्मा में स्थित हो सकते हैं। इस कारण उन्होंने शौच पर बहुत जोर दिया, बाह्य सफाई पर भी जोर दिया। इसी के लिए धोती क्रिया, वस्त्र क्रिया, नैतिक क्रिया बताए उन्होंने, कई तरह के स्नान बताए, शौर्य स्नान और वाष्प स्नान, औषधि स्नान, प्रकाश स्नान और मधु दूध वगैरह जो पर्क हैं, इनके माध्यम से भी जो स्नान होता है, यह भी उन्होंने बताया। तो तमाम तरह के स्नानों को भस्म स्नान भी बताया। इन स्नानों को करने का मुख्य तात्पर्य यही था कि हमारी त्वचा शुद्ध साफ हो जाए, हमारा पेट साफ हो जाए। उसमें गणेश क्रिया बताई उन्होंने, वमन क्रिया बताई, धोती क्रिया बताई, जल नीति बताया। तो ये सब जब साफ हो जाएगा, ताजगी हो जाएगी, तो शरीर की चमक बढ़ जाएगी, शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी, शरीर एक तरह से पुनर्जीवित जैसा हो जाता है, इसमें नव जीवन का संचार हो जाता है और तब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। नई ऊर्जा के साथ भोजन करेंगे, पाचन करेंगे, शरीर हल्का महसूस होगा, हम उठेंगे, जागेंगे तरोताजा, कार्य करेंगे तरोताजा, हमारा मन साफ होगा। उसके लिए कई तरह के त्राटक बताए गए, प्राणायाम की विधियां बताई गई, धारणा बताए गए, ध्यान बताए गए। तो इन तमाम योग की क्रियाओं को बताया गया, इसको हम लोग आज अपना रहे हैं। और आज जो उन्होंने बताया उससे आगे भी हम कुछ सोच रहे हैं और नई नई साधनाओं को जोड़ रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं। फिजिक्स में बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, विज्ञान में बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के आविष्कार हो रहे हैं, मॉलिकुलर बायोलॉजी में आविष्कार हो रहे हैं, विद्युत के जरिए, प्रकाश की तरंगों के जरिए, चाहे वो लेजर हो चाहे कोई अन्य विधि हो, नए नए तरीके से साउंड का इफेक्ट किस तरह से माइंड में होगा उसका प्रयोग चल रहा है, एकॉस्टिक्स का प्रयोग चल रहा है, चुंबकीय धाराओं का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत तेज गति से किसी को किसी में डाल करके बड़े बड़े मशीनों में तेजी से घुमाना, उसका इफेक्ट देखा जा रहा है। तो हमारे मस्तिष्क को किस तरीके से और साफ सुथरा, शुद्ध और विकासोन्मुख बनाया जाए और समाज के लिए बढ़िया बनाया जाए, इस दिशा में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और होने चाहिए और उनके प्रयोग होने चाहिए। आज इस तरह के भी बहुत सारे योग चल रहे हैं, नए नए तरीके उसमें लाए जा रहे हैं प्रयोग में, और ये प्रयोग की जो धारा है ये कहीं ठहरने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीछे के ऋषि महर्षियों ने जो इतना बताया हम लोग उतने ही में रुक जाएं, क्योंकि पीछे के ऋषि महर्षियों ने जितना बताया वह ठीक तो है, परंतु कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी भी है कि वह जनमानस के लिए उतना सुलभ नहीं हो रहा है या जनमानस उसको उतना ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो रहा है। तो जनमानस के सामर्थ्य को बढ़ाना और उसको सुलभ कराना सबके लिए, ये विज्ञान के लिए और आज के नए जो
बुद्धिजीवी हैं उनके लिए, प्रयोग धर्मी है उनके लिए, जो साधना करा रहे हैं उनके लिए, सबके लिए एक चुनौती है। नए नए तरीके के जो है रसायन खोजे जा रहे हैं कि किन रसायन को डालने से दिमाग पर किस तरह का असर पड़ेगा, किस तरह के भाव ज्यादा जागृत होंगे, किस तरह के भावों को दबाया जा सकता है, तो ये सब सारे शामिल होने चाहिए। और हम लोग को रूढ़ होकर के जो पहले बताए गए थे उसी पर अडिग नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने नए आयामों को खोलना चाहिए, तो ही हम योग के लिए एक अच्छा सहयोग दे सकते हैं। और यही जो है, यही सत्य मार्ग का जो सहयोग है, यही एक मार्ग है। वेद में एक ऋचा है कि वेद अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसह परस्तात् तमे विदित्वा इति मृत्युमिति न अन्यः पंथा विद्यते आयनाय। यह ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का है। इसका अर्थ है कि महान ज्योतिर्मय ईश्वर जो अंधकार से परे है को जानता हूं, जिसे जानकर मृत्यु का अंत हो जाता है, इसके सिवाय कोई अन्य मार्ग नहीं है, कोई अन्य पथ नहीं है। तो हम लोग क्या इस पथ पर चलने के लिए तैयार हैं? हम लोग इसी पथ पर चल करके मुक्ति मिल सकती है। तो हम लोग अधि डिटरमाइंड हों, और हम लोग का मतलब सिर्फ व्यक्ति से मेरा मतलब नहीं है, परिवार से मतलब है, समाज से मतलब है, और राष्ट्र की सरकारों से भी मतलब है, और कई संस्थानों से भी मतलब है, शिक्षण संस्थानों से भी मतलब है, और योग की जो संस्थाएं खुली है उनसे मतलब है, जो आश्रम बने बने हैं, बड़े बड़े बने हुए हैं, उनसे मतलब है, यानी समाज की हर इकाई से मतलब है कि वे इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, व्यापारी हैं वे सहयोग करें, ताकि समाज एक बेहतर दिशा में चल सके, सबको हिस्सेदारी भागीदारी भी मिल जाए, सब लोग सम्मानपूर्वक जी सकें और समान रूप से सब लोग मुक्त हो सकें। जैसे वेद में कहा है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वोजानाम सीमानताम, साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें, साथ साथ हमारे मानो। तो हम लोग साथ साथ चल पड़े, यह हम लोग की वो होनी चाहिए कोशिश। और जैसे हितोपदेश में कहा गया है कि धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स पंथः, यानी कि धर्म के तत्व जो हैं वे काफी गूढ़ हैं, गोपनीय हैं, और सामान्य जन अस्त व्यस्त है, वो दिग्भ्रमित हो सकता है। तो उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष जिस पथ पर निकले हैं उसी पथ पर वे भी निकल पड़े और जांचें परखें। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपः भवा, अपना दीपक स्वयं बने। महापुरुष जिस पथ पर चले हैं उस पथ पर तो चलना चाहिए, परंतु आंख बंद करके नहीं चलना चाहिए, आंख खुली रख के चलें, प्रश्न उठाते हुए चलें, संशय दूर करते हुए चलें, तो निश्चित ही हम अपने मंजिल पर पहुंचेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और योग का भविष्य बहुत ही अच्छा है, अतीत भी अच्छा था, और मानव समाज जब तक अस्तित्व में रहेगा तब तक तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि किस तरीके से योगी हुए चलें, कैसे हम योगी बन जाएं, कैसे योगेश्वर हो जाएं। तो सभी को योगी होने की ओर, योगेश्वर बनने की ओर उन्मुख करना अपना ध्येय है। और ऐसा नहीं है कि ये योगी हो जाएंगे तो संसार का कार्य रुक जाएगा, जैसे बहुत लोग समझते हैं, बल्कि वे और अच्छे ढंग से किए जाएंगे, अच्छे ढंग से संपादित होंगे, ऐसा अब तक के योगियों ने सिद्ध किया है। जितने भी योगी हुए हैं, कर्मयोगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, उन सभी ने जो किया है वह जो है काबिले गौर है। और हम ऐसा चाहेंगे कि मानव समाज उस दिशा में बढ़े और निसंकोच बढ़े। और हम लोगों ने जो कुछ भी धन इकट्ठा किया है या जो भी पद इकट्ठा किए हैं, आखिर इसके पीछे कारण तो यही है कि हम
दुख से मुक्त होना चाहते हैं। तो जब दुख से हम मुक्त होना चाहते हैं तो आखिर ये जो संसाधन हमने जुटाए हैं, ये संसाधन हमें मुक्ति की ओर ले जाएं, यही अपनी कोशिश होनी भी चाहिए, तभी यह सफलता मानी जाएगी। तो यही हम आप सबसे निवेदन करते हैं। छोटी सी चीज एक मैं क्षमा प्रार्थी के अर्थ में कहता हूँ कि इस वीडियो के शुरुआत में जो मैंने एक सब गलत बोल दिया था जल्दीबाजी में, कि चौथे अध्याय गीता के चौथे अध्याय का नाम जो है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग है, तो उसको मैंने संन्यास योग के रूप में बोल दिया था, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बात निकल गई, अभी मुझे ध्यान आ रहा है, तो आप उसको एक तरह से करेक्शन समझ लें। और बस मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग उस दिशा में चलें, ईश्वर से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को मदद करें, और जितनी हमारे से मदद हो सकती है वो मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर हूँ, यही मेरा संदेश है। और जो गीता का पांचवा अध्याय जो था वह कर्म संन्यास योग था, तो इसको आप करेक्शन समझेंगे, और आप सबों के जो प्यार जो स्नेह हमें मिला है मिल रहा है, तो मैं इसे अपना भाग्य समझता हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोगों की सेवा निष्काम भाव से मैं करता रहूँ। और आप लोगों ने इतने गौर से सुना इतने बड़े वीडियो को और इतने बड़े संभाषण को, तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ओम हरि। शौच से संबंधित